सिद्धार्थ तुझे एक कहानी बताऊं क्या? होटल में हम दोनों लोग खाना खाने जाते हैं, लेकिन साथ में जैसे दो और लोग खाना खा रहे हैं वैसे बिल आता है, मतलब टैक्स। किसके लिए? खाने के लिए। उसे देखकर ही तो पेट में जलन होने लगती है, वैसे ही तुझे देखकर जलन होती है। छी हंस मत यार। मालूम है, वो मुझे ऐसी जगह पर ले गई जहाँ पर 150 औरतें भूतियों की तरह मुझे कह रही है मेरे पास आ मेरे पास आ। मैं इतना हैंडसम हूँ क्या यार? बोलना बेबी आ गई। सिद्धू क्या ये तुम हो? ये सच है या नहीं? दिया ये मेरा जवाब दो। सच तो है लेकिन अरे पकड़ा। ये तो वही है, माँ कसम ये कब से शुरू किया? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होना चाहिए, वीडियो में तो बड़े मजे दोनों अच्छे दिख रहे हैं ना। उस दिन मुझे क्या कहा क्या था? 99.9% वर्जिन है ना। दिया तो वर्जिनिटी सिर्फ लड़कियों के लिए होती है क्या? तुम लड़के होते ही ऐसे हो, जहाँ चाहे वहाँ मुंह मारते रहते हो, लेकिन जब शादी करनी होती है तो सीधी सादी लड़की चाहिए। हा? भाई तेरी गर्लफ्रेंड अच्छी लड़की है, सही बात बोल रही है। तू चुप बैठना, दिया दर्द भरी कहानी तो सुनो। लड़कियाँ तुम जैसे लड़कों से सच्चे दिल से प्यार करती हैं, इसलिए नहीं कि तुम कोई राजा हो और उसे एक रानी की तरह रखोगे और कीमती चीजें दोगे, और ना ही इसलिए कि तुम किसी फिल्मी हीरो की तरह आओगे और उसके सारे दुख दर्द मिटा दोगे। हम सब जानते हैं कि तुम जैसे लड़के किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी हम तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि तुम अपने भोलेपन से हमारा भरोसा जीत लेते हो। तुम्हारी प्यारी बातों की वजह से हमें लगता है कि हम खास हैं, इसीलिए प्यार करते हैं। तुम जैसे लड़कों के लिए तो वही लड़कियां अच्छी हैं जो ठीक वैसा करे जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। एक बात बोलूं, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। अबे चुप बैठना। हे सुन, तूने मेरे साथ धोखा किया है ना, तू ना नर्क में जाएगा, नर्क में। तू चैन से नहीं सो पाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तुझे देवी माता छोड़ेंगी नहीं, तुझे तो मैं रुक। पागल है क्या? अरे तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ए, तेरा सर फोड़ दूंगा, चुप हो जा। दिया मेरी बात सुनो। ए, तू बेशरम फ्रेंड है ना, बचपन से लेकर आज तक सब कुछ तेरे को बताया है। पड़ोसन आंटी ने मेरे को पप्पी किया, वो भी तेरे को बता दिया था, लेकिन तूने गर्मा गर्म वीडियो में काम किया, एक बार तो बताया होता। ये ऊपर वाले, इसको तूने सही जगह लात मारी है। आगे कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ अच्छा, भी नहीं। कुछ नहीं किया तो इस वीडियो में तेरे जैसा दिखने वाला है कौन? मैंने एक बार देखते ही पहचान लिया, ये तू है, ये तेरी ही चड्डी है। फोन दे। तू भी मेरे डैड जैसा ही निकला, झूठा। लेट्स ब्रेक अप। दिया तुम गलत समझ रहे हो, दिया ऐसा कुछ नहीं था। दिया मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरा दोस्त हूँ। दिया ये क्या है ब्रेकअप? ब्रेकअप हाँ, मर्द ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, ना कोई बदलाव आया है ना आएगा, तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। लास्ट चांस है, इधर आके माफी मांग लो, दोस्ती यारी पक्की। क्या बोल रहे? मेरे को नहीं, इसको गले लगा। जा। दिया नाक तोड़ डाली। उत्तरी दिया ने तुझे इतनी जोर का दिया? तू टेंशन मत ले, नाक का खून अच्छी तरह से पोंछ ले और उसके 5 मिनट बाद चल हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं, दिया के घर जाके फिर से उसको एक बार समझाना प्लीज। प्लीज यार, भाई नहीं है क्या तू मेरा? यूजलेस। ये अरे तो मेरे लिए उससे कौन बात करेगा? सॉरी अंकल, आप एक जेंटलमैन हैं, लेकिन आपका बेटा ऐसा नहीं है, वो एक नंबर का लफंगा है। प्लीज उसे कहिए मुझे भूल जाए। लगता है बारिश होने वाली है, आप प्लीज घर चले जाइए। प्लीज अंकल जाइए। जाने दो बाबा, लगता है उसे किसी की कदर नहीं है, वो अपने आप को समझती क्या है। चलिए पापा यहां से, हम यहां पर और नहीं रुकेंगे। हे बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरा बाप अभी बैठा है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, उसे रोज एक गुलाब का फूल देकर मैं तुम दोनों को जरूर मिलवाऊंगा, सच कहता हूं। देख बेटा, तूने भले ही मना कर दिया पर हमारी बहू तो वही बनेगी, उसने मुझे जेंटलमैन कह के बुलाया। आप सच में बहुत अच्छे हैं पापा। हाँ बेटा, पापा को आज ही पता चला। I love you, पापा।
आई लव यू बेटा। रो मत बेटा, क्यों रो रहा है, चुप हो जा। मेरा सब कुछ तू ही है बेटा, दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं तुझे ला कर दूंगा। तेरे ऊपर कोई भी तकलीफ या मुसीबत आने से पहले तेरा बाप उसे अपने ऊपर ले लेगा। जरा सा दुख भी तुझे महसूस नहीं होने दूंगा। छोटे से लेकर बड़े से बड़ा दुख भी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। I love you, पापा। इस बार मैं ये ठीक से करूंगा। जल्दी। hey, अब जोर से दबा मत। क्यों, तोन दब रही है क्या? hey, तोन निकली होगी तुम्हारी, बियर बेली नहीं कह सकते। पड़ोस वाली रानी जी सुनेगी तो क्या सोचेगी? तोन दे तो तोन ही बोलूंगा। चुप रहो, बियर पेट में जाकर कन्वर्ट हो गई है, उसे निकाल कर आता हूँ। पापा, ऑटो तो छोड़ दिया, वापस घर कैसे जाएंगे? अरे तेरा ये बाप तुझे कंधे पर बिठा कर ले जाएगा। मेरे पापा ग्रेट है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पापा जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे अच्छा, हाँ? सबसे प्यारा मेरा बच्चा। ओहो। गले लग जा अपने बाप के। सिद्धू, पापा, पापा, पापा नहीं, पापा, पापा, नहीं। क्या करूं, क्या करूं पापा, उठिए पापा। पापा, पापा मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। इसका नाम है सिद्धार्थ। ये बहुत बड़ा जीनियस है। इसने लास्ट ईयर हैकिंग कंपटीशन जीता था जो व्हाइट हैट हैकर्स ग्रुप ने कंडक्ट किया था। उस ग्रुप को पकड़ने के लिए मैंने और अंकल ने प्लान किया था। मेरी इससे मुलाकात एक पब में हुई थी। इससे पहले हम उन हैकर्स को ढूंढ पाते, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। इस लड़की का नाम है अनु। सबका यही कहना है कि प्यार में धोखा खाने के बाद इसने सुसाइड कर लिया, लेकिन इसे सुसाइड करने पर मजबूर किया गया था। तुम मुझे अच्छी लगी तो मैंने कोशिश भी की, पर काम नहीं बना। क्या सेक्सी लाइफ है? तो क्या लव ही लाइफ है? सॉरी राकेश, प्लीज ऐसा मत करो। पागल हो क्या? मुझे छोड़ो, मुझे मत जाओ। छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। छोड़ो राकेश। तुमने इसे कैसे प्यार किया? सॉरी, सारी मेरी गलती। इंडिया में लगभग 40 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। उसमें से 50% से भी ज्यादा हर 30 मिनट में एक बार प्यार करने से लेकर प्यार में फेल होने तक या उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं। पहले के लोग प्यार में धोखा मिलने पर अपनी फीलिंग्स डायरीज में लिखते थे और उस प्यार के बारे में किसी को नहीं पता चलता था, लेकिन आजकल अपना स्टेटस लोग सोशल मीडिया में अपडेट करते हैं। जिस तरह से इंटरनेट के जरिए आपको सब कुछ दिख जाता है, वैसे ही ये दुनिया भी आपको देख रही है। शिवम, नई लड़की मिल गई। क्या हुआ? प्यार में धोखा। साइकोलॉजी एनालाइज करो। श्योर। आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में हम फेसबुक पर जो भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, उससे कोई भी हमारे दिमागी हालत का जायजा लगा सकता है। ये काम आ सकती है। उसका बैक कैमरा ऑन करो। वो हमारी जिंदगियों में फोन और कंप्यूटर के जरिए घुसते हैं। हम किस बात पर हंसते हैं, किस बात पर रोते हैं, किससे प्यार करते हैं, ये सब कुछ उनकी नजर के सामने होता है।
वेव्स। वो वेव्स इंसान के दिमाग में जाकर वहम पैदा करने लगती हैं। वो लोग ऐसी बातों का यकीन दिलाते हैं जो कि वास्तव में है ही नहीं। गुस्सा भरा दिमाग वैसे भी आधा ही काम करता है, लेकिन अगर प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान हो तो उसका दिमाग आधे से भी कम काम करता है। दिमाग में 90% सिर्फ भावनाएं और जज्बात दौड़ते रहते हैं, और वो बेलगाम जज्बात हाथ से निकलते जाते हैं। वो लोग ऐसे ही इंसानों की तलाश में रहते हैं जो डिप्रेशन में हो या मानसिक तनाव में हो। कॉल कर रहा हूं। हेलो, मैं तुम्हारी फ्रेंड बात कर रही हूं। आपके जैसे ही राकेश ने मुझे धोखा दिया। रो मत। बोलो अब हम क्या करें। बोलो, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करें अब, बताओ। मेरे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। Just leave me alone। वो वापस जरूर आएगी। तुम लोग अपना काम करो। Please.